अगली बार जब आप किसी सभ्य व्यक्ति, संस्कारवान व्यक्ति, अच्छे वक्ता, आकर्षक तरीके से तैयार व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति को देखें तो खुद को याद दिलाएं कि वह इस तरह से पैदा नहीं हुआ था। उसने इस तरह बनने के लिए हर दिन कोशिश की होगी, लगातार कोशिश की होगी। नई अच्छी आदतें डालना और पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना हर दिन की इसी कोशिश का हिस्सा है। अभी हाल में ही अपनी 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका तैयार करें, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताई है, 12C में। अक्सर जब मैं लक्ष्य निर्धारित करने की बात करता हूँ तो कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है, मैं जानता हूँ कि लक्ष्य की तरफ काम करना महत्वपूर्ण है, परंतु अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे मेरी योजना गड़बड़ा जाती है। यह सच है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपको आपके लक्ष्य की राह में बाधा खड़ी कर देती है, जैसे आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी या मृत्यु हो जाए, आप जिस नौकरी की कोशिश कर रहे हैं वह पद ही समाप्त हो जाए, या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो हम इस विचार को अपने दिमाग में गहरे बैठा लें, वैकल्पिक रास्ते तैयार रखें। अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हों और आपको बीच में रास्ता बंद है का बोर्ड दिखाई देता है तो आप वहीं पर डेरा नहीं डाल देते, नहीं आप घर वापस लौट आते हैं। वह रास्ता बंद है इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उस रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। यह देखें कि सेना के अधिकारी किस तरह योजना बनाते हैं। जब वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं तो वे वैकल्पिक योजनाएं भी बनाते हैं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिससे प्लान ए सफल नहीं हो सकता तो वे प्लान बी पर काम करने लगते हैं। आप हवाई जहाज़ में तब भी आराम से बैठे रहते हैं जब तक कि वह हवाई अड्डा पास हो जहाँ आपको उतरना है, लेकिन वहाँ हवाई जहाज़ उतरना फिलहाल संभव न हो। आप घबराते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ चलाने वाले के पास उतरने की वैकल्पिक जगह है और पर्याप्त रिजर्व ईंधन है। वह व्यक्ति दुर्लभ ही होगा जिसने बहुत बड़ी सफलता पाई हो और अपने जीवन में उसने कभी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके सफलता पाई है। जब आप वैकल्पिक रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य नहीं बदलते, आप सिर्फ अपने रास्ते बदलते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, काश मैंने वह स्टॉक इस समय खरीदा होता, आज मेरे पास ढेर सारा पैसा होता। आमतौर पर लोग स्टॉक या बॉन्ड या रियल इस्टेट या किसी दूसरे किस्म की जायदाद में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, परंतु सबसे बड़ा और सबसे लाभदायक निवेश खुद में निवेश करना होता है। ऐसी चीज़ें खरीदना जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। प्रगतिशील कंपनियां जानती हैं कि आज से 5 साल बाद वे कितनी मजबूत होंगी, यह उन आने वाले 5 सालों में तय नहीं होता बल्कि अभी तय होता है, और इस बात से तय होता है कि वह इस साल उस योजना में कितना निवेश कर रही है। लाभ केवल एक ही स्रोत से आते हैं, निवेश। यह हम सबके लिए एक सबक है। लाभ के लिए आगे आने वाले सालों में औसत आमदनी से ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें खुद में निवेश करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश करना चाहिए। यहाँ 2 दृढ़ आत्मनिवेश तकनीकें दी जा रही हैं जो आपके भविष्य को सुधारने में आपकी बहुत काम आएंगी। 1, शिक्षा में निवेश। शिक्षा में निवेश करें। खुद में निवेश करते समय सच्ची शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश होता है, परंतु इससे पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में शिक्षा से हमारा आशय क्या है। कई लोगों की नज़र में शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज में बिताए गए साल, हासिल की गई डिग्रियां, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होते हैं, परंतु शिक्षा के संबंध में मात्रा या संख्या की शैली से ज़रूरी नहीं है कि आप सफल व्यक्ति बन जाएं। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन रॉल्फ डे कार्डिनर ने शिक्षा के बारे में चोटी के बिजनेस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया है, हमारे 2 सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट मिस्टर विल्सन और मिस्टर कॉफिन कभी कॉलेज में नहीं पढ़े, हालांकि हमारे कई वर्तमान अफसर PhD हैं, परंतु 41 से 12 के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। हम योग्यता में विश्वास करते हैं, डिप्लोमा में नहीं। डिप्लोमा या डिग्री से आपको नौकरी ढूंढने में मदद तो मिल सकती है, परंतु उस नौकरी में आपकी प्रगति की कोई गारंटी नहीं मिल सकती। बिजनेस में महत्व योग्यता का होता है, डिप्लोमा का नहीं। कई और लोगों के लिए शिक्षा का मतलब ढेर सारी जानकारी होता है जिसे दिमाग में भरा जाता है, परंतु ये तथ्यों को सोखने वाली शिक्षा की शैली आपको वहाँ नहीं ले जाएगी जहाँ पहुँचना चाहते हैं। हम गोदाम में भरी जानकारी के लिए पुस्तकों, फाइलों और मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। अगर हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि कोई मशीन, तो हमारा अस्तित्व सचमुच खतरे में है। आपको जिस सच्ची शिक्षा में निवेश करना चाहिए वह है आपके दिमाग को विकसित करने वाली शिक्षा।
कोई व्यक्ति कितना सुशिक्षित है यह इस बात से पता चलता है कि उसका दिमाग कितनी अच्छी तरह विकसित है, संक्षेप में वह कितनी अच्छी तरह सोचता है। जो भी चीज़ सोचने की योग्यता को सुधारती है शिक्षा है, और आप कई तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए शिक्षा के सर्वाधिक प्रभावी स्रोत करीबी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं। शिक्षा उनका बिजनेस है। अगर आप काफ़ी समय से कॉलेज में ना घुसे हों तो आपको वहाँ जाने पर हैरानी होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब वहाँ बहुत सारे कोर्स मौजूद हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आप नौकरी के बाद भी कॉलेज जा सकते हैं, और वहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं वे मन बुद्धि नहीं होते, बल्कि कई तो मैं सचमुच प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जिनमें से कई बहुत जिम्मेदारी के पदों पर काम करते हैं। मैंने हाल ही में 25 लोगों की एक इवनिंग क्लास की थी, जिनमें कई विद्यार्थी 12 स्टोर्स की रिटेल चेन का मालिक था, नेशनल फूड चेन के 2 खरीदार थे, 4 ग्रेजुएट इंजीनियर थे, 1 एयरफोर्स कर्नल था, और कई अच्छे स्टेट्स के लोग थे। आजकल कई लोग शाम के कॉलेजों में पढ़कर अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, परंतु डिग्री जो आखिर केवल एक कागज का टुकड़ा है, उनकी मुख्य प्रेरणा नहीं है। वे कॉलेज इसीलिए जाते हैं ताकि वे अपने दिमाग का विकास कर सकें, क्योंकि उनका भविष्य इसी से सुधरेगा। वही सच्चा निवेश है जो आपके भविष्य को सुधारने में किया जाता है, और इस बारे में कोई गलत फहमी ना पालें। शिक्षा एक असली सौदा है। $75 से $150 के निवेश से आप 1 साल तक हर सप्ताह 1 रात कॉलेज जा सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी के हिसाब से इसका प्रतिशत निकालें और खुद से पूछें, क्या मेरा भविष्य इस काबिल भी नहीं कि मैं इसके लिए एक छोटा सा निवेश कर सकूं? क्यों ना इस निवेश को करने का फैसला अभी हाल में करें। कॉलेज में फ़ोन करें, जिंदगी भर इस सप्ताह 1 रात। यह आपको प्रगतिशील युवा चौकस बनाए रखेगा। यह आपको आपकी रुचियों के क्षेत्रों से जोड़े रखेगा, और यह आपको ऐसे लोगों से भी जोड़े रखेगा जो आप ही की तरह सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। शिक्षा मतलब अपने दिमाग को विकसित करने वाली शिक्षा, यानी कि आपका दिमाग कितनी अच्छी तरह से सोचता है। 2, विचारदाताओं से में निवेश करें। शिक्षा आपके मस्तिष्क को ढालने में मदद करती है, नई परिस्थितियों का सामना करने का प्रशिक्षण देती है, और समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करती है। विचारदाता यानी जो विचार देता है वह भी इससे मिलता जुलता काम करता है। विचारदाता आपके मस्तिष्क का पोषण करते हैं, आपको सोचने के लिए रचनात्मक सामग्री देते हैं। सर्वश्रेष्ठ विचारदाता कौन है? वैसे तो कई हैं, परंतु अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की सतत आपूर्ति के लिए आप ऐसा करें, हर महीने 1 प्रेरणादायक पुस्तक खरीदने का संकल्प करें, और 2 विचार प्रधान पत्रिकाओं के ग्राहक बन जाएं। इस तरह बहुत ही कम पैसे और समय में आप सर्वश्रेष्ठ चिंतक और विचारकों के संपर्क में आ जाएंगे। एक दिन लंच पर मैंने एक व्यक्ति को यह कहते सुना, परंतु इसकी कीमत $20 प्रति वर्ष है, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ने की इतनी कीमत नहीं दे सकता। उनके साथी ने, जो सफलता के लक्ष्य का पीछा कर रहा था, जवाब दिया, मैंने पाया कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल न पढ़ने की कीमत नहीं चुका सकता। तो आप सफल लोगों से सीखें, अपने आप में निवेश करें। संक्षेप में आइए काम में जुटें। अब एक बार सारांश में देखें कि हम इन सफलता के सिद्धांतों को किस तरह काम में ला सकते हैं। 1, पहले इस बात की साफ तस्वीर बना लें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसा होना चाहेंगे, इस बात की कल्पना कर लें। 2, अपने 10 साल के प्लान को लिख लें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप अपने काम धंधे, अपने घर और अपने सामाजिक खंडों में जो हासिल करना चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख लें। 3, अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण कर दें। ज़्यादा ऊर्जा हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, और काम करने के लिए लक्ष्य तय करें और जीने का असली आनंद लें। 4, अपने प्रमुख लक्ष्य को ऑटोमेटिक पायलट बनने दें। जब आपका लक्ष्य आप पर हावी हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही फैसले कर रहे हैं। 5, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम बढ़ाएं। आप जो भी काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना दिखे, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम माने। 6, 30 दिनों के लक्ष्य बनाते रहें। दिन प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम अच्छा होता है। 7, वैकल्पिक रास्ते तय करें। वैकल्पिक रास्ते का मतलब सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने अपने लक्ष्य को बदला है, आपने तो सिर्फ अपना रास्ता बदला है। 8, अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। शिक्षा में निवेश करें, विचारशील सामग्री में निवेश करें। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। इसे आगे का सुनने के लिए हमारा 13A वीडियो देखें।
हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।